क्लास में वो एक बच्चा होता है ना जिसको तुम देख के सोचते हो कि यार वो कैसे कर लेते हैं ये चीज, कि अगर वो पढ़ाई में अच्छे तो आपको लगता है कि यार उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ जाते, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा बच्चा वो ये वाला स्पोर्ट्स इतने ढंग से कैसे खेल लेते हैं, और तुम्हें लगता है कि यार मेरे को भी वही बनना है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में एक लड़की, उसका मैं भी नाम नहीं लूंगी, वो लड़की ना मेरे को लगता था हर चीज में अच्छी है यार, पढ़ाई में अच्छी है, टीचर्स उसे आके रखते थे रेसिटेशन पोयम स्टेज पे जाके बोलना हर चीज में, और यहाँ पे एक मैं बस अपना ही अलग से होने में लगे, उसको देखकर लगता था कि यार इसकी लाइफ तो सॉर्टेड है और क्या ही चाहिए एक सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को, बच्चों का रिकग्निशन मिल रहा है, टीचर्स का रिकग्निशन मिल रहा है, स्टेज पे जाके बोलने का मौका मिल रहा है और पढ़ाई में तो अच्छे मार्क्स आ ही रहे हैं, तो टॉपर भी है और क्या ही चाहिए। मैं उसको देख के इंस्पिरेशन लेती थी कि यार काश मैं भी ऐसी, काश मैं भी उसकी तरह बनूं। और मेरी एक और दोस्त उसको ना उस लड़की को देखकर चिढ़ मचती थी कि यार वो ऐसा क्यों करती है, वो इसमें भी क्यों अच्छी है, इसमें भी क्यों अच्छी है। मेरे को कभी समझ नहीं आया कि उसको उससे चिढ़ क्यों मचती थी, कि जो टॉपर लड़की थी उसने कभी मेरी जो ये दूसरी लड़की है उसके साथ कुछ बुरा तो किया नहीं, तो उसको चिढ़ क्यों मचती थी। काफी टाइम बाद अब जब मैं उस चीज को वापस देखती हूँ, मेरे को रियलाइज होता है यार कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश इन द बोट। हम कहते हैं ना हर जगह कोई एक बड़ी मछली प्रेजेंट होती है, आपसे बड़ी, आपसे अच्छी, जिसको आपसे कोई चीज ज्यादा आती है। अब हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम जेलसी के चक्कर में कि यार उसको ऐसा क्यों मिल रहा है, कि क्या उसने ऐसा उखाड़ दिया, उसका तो चलो बस लक था, ये हमने अपनी खुद की जेलसी के चक्कर में हमने क्या किया, हमने खुद पे कांटा मार लिया, हम उसकी ग्रोथ देखकर तो कुछ है ही नहीं और हम अपनी ग्रोथ के लिए भी कोशिश नहीं कर रहे, लाइक यार मैं उधर नहीं पहुंच रही तू भी मत पहुंच, सेंस करती है इस बात, वो तो अपना जा रही है ना, कौन फंस रहा है इसमें, कौन फंस रहा है, हम खुद ही फंस रहे हैं जेलसी के चक्कर में। लेकिन अगर हम इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो यार अगर हम उससे इंस्पिरेशन ले तो यार मुझे भी वैसे बनना है, यार मेरे को भी वैसा कुछ करना है, तो हम उनकी ग्रोथ के लिए तो खुश हो ही रहे हैं और हम खुद भी ग्रो कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, जेलसी और इंस्पिरेशन। जेलसी से आप खुद का भी दिमाग खराब करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, देन यू आर जस्ट लाइक क्या यार मतलब दिस वर्ल्ड सक्स एंड एटसेट्रा। इंस्पिरेशन से यू वांट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, यू आर लाइक यार मेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, बस स्टार्ट करना, देन आप स्टार्ट कर दीजिए। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक कि हम ह्यूमंस जेलसी क्यों करते हैं, एंड tell me the things that inspire you to be. Thank you guys, that was it for today's video. If you like this video, do tell me in the comment section below. If you're new to my channel, please subscribe, it will go up to me. If you're new to my channel, please subscribe, it will mean the world to me. If you like the video, please press the like button. Till then, thank you, bye bye.